दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले को देख साल 2011 की याद ताजा हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में भारत और श्रीलंका का एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने कमजोर दिल वालों के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल दिया। तो वहीं इस मुकाबले में नमन ओझा ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देख ब्रायन लारा से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सलाम ठोक रहे हैं। बताएंगे नमन ओझा के रिकॉर्ड के साथ मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर भारतीय क्रिकेटर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां रायपुर के वीर नारायण स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो मुकाबले में पारी की शुरुआत सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा ने करी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत देने की कोशिश की। लेकिन विरोधी टीम के गेंदबाज आज अलग ही मंसूबे के साथ आए थे, जहां पहले ही ओवर में कुलशेखरा ने भारत का सबसे बड़ा विकेट गिरा दिया। जी हां दोस्तों, गेंदबाज कुलशेखरा ने ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड कर दिया और अपने नाम एक बेहद ही खतरनाक रिकॉर्ड हासिल कर लिया। और ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर को गोल्डन डक के रूप में आउट करने का है। जी हां, सचिन तेंदुलकर को बहुत ही कम गेंदबाज शून्य के स्कोर पर आउट कर पाते हैं। ऐसे में इनको आउट करने का रिकॉर्ड कुलशेखरा ने अपने नाम कर लिया। दोस्तों जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नमन ओझा आए, लेकिन नमन ओझा ज्यादा देर से बल्लेबाजी कर रहे थे परंतु उनका साथ कोई भी नहीं दे रहा था। जहां बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और तीसरे ही ओवर में कुलशेखरा की गेंद पर जीवन मेंडिस के हाथों कैच आउट हो गए। इस बीच सुरेश रैना ने दो गेंदों पर एक चौके की मदद से मात्र 4 रन बनाए, जिसके बाद कप्तान सचिन तेंदुलकर ने रन गति को बढ़ाने के लिए गेंदबाज विनय कुमार को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर भेज दिया, जहां उन्होंने टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रन गति को आगे बढ़ा दिया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 90 रन की साझेदारी कर डाली। लेकिन 12वें ओवर में भारत को तीसरा झटका विनय कुमार के रूप में लगा। श्रीलंका की टीम एक बार फिर से मुकाबले में वापस लौट आई थी। जी हां दोस्तों, 109 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका विनय कुमार के रूप में लगा, जहां विनय कुमार ने 21 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 172 के स्ट्राइक रेट के साथ ईशान जयरत्ने की गेंद पर 36 रन बनाने के बाद इसुरु उड़ाना को अपना कैच दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिक्सर किंग युवराज सिंह आए, लेकिन दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे नमन ओझा ने हार नहीं मानी और नमन ने 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। तो वहीं 15वें ओवर में नमन ओझा ने 1 रन लेने के साथ ही इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा अगले ही ओवर में युवराज सिंह ने छक्का लगाकर इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कुलशेखरा ने युवराज सिंह को 13 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 147 के स्ट्राइक रेट से 19 रन बनाने के बाद दिलशान के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इरफान पठान आए। तो वहीं 19वें ओवर में पहली ही गेंद पर छक्के के साथ नमन ओझा ने 68 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया और इसके अलावा पारी के अंतिम ओवर में इरफान पठान 9 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाने के बाद उड़ाना की गेंद पर डिसिल्वा के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने यूसुफ पठान आए, लेकिन छोटे भाई के आउट होने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर बड़े भाई यूसुफ पठान बिना खाता खोले उड़ाना की गेंद पर गुणा रत्ने को कैच दे बैठे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए स्टुअर्ट बिन्नी आए और 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर नाबाद रहे। इसके बाद दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए नमन ओझा 71 गेंदों पर 15 चौके और 2 छक्कों की मदद से 108 रन 153 के स्ट्राइक रेट से बनाकर नाबाद रहे और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 195 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिया और विरोधी टीम को 196 रनों का लक्ष्य दिया। तो वहीं श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मुनवीर और सनत जयसूर्य आए, तो वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने मिथुन आए और पहले ही ओवर में मात्र 6 रन दे दिए। लेकिन उसके बाद अगले ओवर में शानदार गेंदबाजी कर रहे विनय ने पहले सनत जयसूर्या की गेंद पर चौका खाया और इसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली ही गेंद पर उन्हें चारों खाने चित करते हुए 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया।
जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान दिलशान आए तो वहीं तीसरे ओवर में राजेश पवार ने मुनावीर को 7 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाने के बाद नमन ओझा के द्वारा स्टंप आउट करवा दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए अब थरंगा आए तो वहीं 5वें ओवर में सुरेश रैना ने डायरेक्ट थ्रो से रन आउट करने की कोशिश की और इसके बाद खेल भावना दिखाते हुए बल्लेबाज को गले भी लगाया और इसी के साथ ही पावर प्ले में श्रीलंका की टीम को मात्र 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन रहेगा? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।